नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चक्रवाती तूफान ताऊ ते का महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा समेत देश के कुछ राज्यों में मंडरा रहा है खतरा। महाराष्ट्र के पालघर जिले अंतर्गत वसई विरार अर्नाला तट पर लौटी सैकड़ों नाव। अरब सागर में बने कम दबाव के चलते उठ रहे चक्रवाती तूफान से देश के विभिन्न हिस्सों में खासा असर पड़ने की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। अरब सागर से उठने वाले इस चक्रवाती तूफान का केरल राज्य में तो असर दिखना शुरू भी हो चुका है, जहां तेज हवाओं के साथ लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। इस चक्रवात के केरल से आगे बढ़कर गोवा, महाराष्ट्र होकर गुजरात में घुसने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुमान को आधार माना जाए तो गुजरात में प्रवेश करते समय इस चक्रवात की रफ्तार काफ़ी अधिक हो सकती है, जो तटीय क्षेत्रों में रहने वालों के लिए तबाही का कारण बन सकती है। गुजरात में घुसने से पहले चक्रवात महाराष्ट्र के कोंकण व मुंबई क्षेत्र से होकर गुजरेगा, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार एवं स्थानीय प्रशासन अभी से अब तैयारियों में जुट गया है एवं लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है। साथ ही समुद्र में उतरकर मछलियों का शिकार करने वाले मच्छीमारों को विशेष तौर पर सावधान किया जा रहा है, क्योंकि तूफान के समय समुद्र में गए मच्छीमारों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का अंदेशा रहता है। प्रशासन द्वारा मच्छीमारों को समुद्र में जाने से मना किया जा रहा है। इसी का असर पालघर जिले के वसई विरार के अर्नाला समुद्र तट पर देखने को मिला, जहां समुद्र में गई सैकड़ों बोट वापस लौट आई है। हालांकि अभी भी कुछ बोट के समुद्र में होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।